ओम शांति शरीर का नाम बीके राखी है बचपन से ही हमने एक भक्ति वाले परिवार के अंदर जन्म लिया और बचपन से ही भक्ति करते रहे परमात्मा के लिए एक विशेष खींच मन में हमेशा ही थी विशेष करके कृष्ण के भगत हम रहे तो भक्ति में भगवान को याद करना पूजा करना उसको रिझाना ये सब कर रहे थे एक समय ऐसा आया जिसमें हमें ये परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ शरीर की आयु केवल मात्र सत्रह साल की ही थी जब हमने परमात्मा के परिचय को प्राप्त किया और जिस दिन हमने ये सुना कि परमात्मा निराकार है और वही सर्व का पिता है और वो इस धरती पर आया है उसी दिन खुशी के मारे कान आँख सारी सदबुद जैसे खो गई थी और उस दिन से परमात्मा को याद करना है उसके कहने पर चलना है ये जैसे मन में पूरी रीति से ठान लिया धीरे धीरे उसके बाद ये पता चला कि ये जीवन के अंदर मूल्यों का होना डिसिप्लिन का होना बहुत आवश्यक है ये परमात्मा शिक्षाओं से हमने सीखा सेवा भाव पहले भी था और फिर भी परमात्मा के घर की सेवा करते 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 जीवन में ये लक्ष्य ठान लिया कि हमें भी ऐसी ही सेवा करनी है आध्यात्मिक मार्ग के तौर पे सेवा शरीर की उम्र भले ही सत्रह साल की थी लेकिन उसी उम्र में समाज के अंदर के जो वातावरण फैल रहा था जो दूषित वातावरण था उसका अनुभव जीवन में कर चुके थे और ये एक कारण रहा जो परमात्मा की हमें बहुत खींच हुई और वो खींच परमात्मा के घर ले आई भगवान का बनने का जो नशा जो स्मृति और जो जीवन की अनुभूति अब हम कर रहे हैं वो निश्चित ही अनोखी अनुभूति है कि ये अनुभूति जैसे हम सुनते थे महाभारत में रामायण में महाभारत में जब रास करती हुई गोपिकाओं को हम देखते थे तो मन में प्रश्न आता था अपने लौकिक माता से प्रश्न करते थे क्या इनके जैसे हम बन सकते हैं तो माता जी कोई भी ऐसा उत्तर दे के टाल देते थे लेकिन जब हमने यहाँ ये परिचय सुना कि स्वयं श्री कृष्ण पुनः इस धरती पर आने वाले हैं तो मन में वो जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर मिल गया और फिर हम निश्चिंत होकर के इसी जीवन की यात्रा पर चल पड़े और आज तकरीबन 20 साल इस ज्ञान मार्ग में हो गए सेवा करते हुए तो परमात्मा के कई अनुभव हमने अपने जीवन में किए ये अनुभव किया कि जैसे वो ही सर्व संबंधों की अनुभूति अलग अलग रीति से अलग अलग समय पर हमारे साथ करता रहता है वैसे कोई जीवन में विशेष दुख भी नहीं था कोई अप्राप्ति भी नहीं थी लेकिन परमात्मा का प्रेम ही इस तरफ खींच के लेके आया और वो प्रेम के अंदर सच्चाई सफाई बहुत थी कि जो कहा हमें जिस बहन ने कोर्स कराया जिस बहन ने ये ज्ञान परिचय दिया उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी जो जो श्रीमत बताई उस उस अनुसार अपने जीवन को हम ढालते गए वैसे कि ये उम्र होने के कारण मॉडर्न भी थे लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट थी जैसे बचपन में माता पिता ने लड़कों की तरह ही पाला था तो वैसी लाइफस्टाइल थी तो बाल भी छोटे से थे तो जब हमें बहनों ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी बनना है तो ये सारा कुछ भी करना पड़ता है तो हमने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे ऐसी ही सेवा करनी है परमात्मा की सेवा में अपना जीवन लगाना है तो सारे जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या के अंदर अपनी जीवन शैली के अंदर बहुत तीव्रता से हमने परिवर्तन लाया और वो परिवर्तन देख करके हमारे जो बड़ी बहनें थीं उन बहनों को बहुत खुशी हुई वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस जीवन यात्रा के लिए हमें मार्ग दिखाया मार्गदर्शन किया और हमने भी ये जीवन यात्रा आरंभ कर दी और अब ये बहुत खुशी होती है कि इस जीवन यात्रा के अंदर अनेक आत्माओं को भी लाने के हम निमित्त बने हम गाते थे भक्ति में सुनते थे कि भगवान तेरे चरणों की धूल है अगर तुम्हारे कार्य में हम थोड़े से भी काम आए तो अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करेंगे तो सचमुच ये जीवन और ये सेवा का मौका प्राप्त करके ऐसा अनुभव हुआ कि हमने अपने कई जन्मों की भक्ति का फल अभी ही प्राप्त किया है तो अनेक आत्माओं को परमात्मा संदेश देते हुए बेहद खुशी भी होती है और अब यह नशा भी है कि जैसे मैंने अपने जीवन को इस मार्ग में चलाकर एक आध्यात्मिक जागृति लाकर अपने आप को ऐसा बनाया जो परमात्मा के नज़रों में रह सके और अन्य आत्माओं को भी हम ऐसा बनाने के निमित्त बने इसका बेहद नशा भी है और खुशी भी है तो मैं आज के युवाओं को और बहनों को कन्याओं को ये एक संदेश देना चाहूंगी अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से कि मैंने अपने जीवन में सच्चाई सफाई और डिसिप्लिन हमेशा ही आत्मसात करके रखा कभी भी जीवन में प्रश्न नहीं किया जो भी हमें हमारे बड़े बताते थे बस वैसा ही करते गए आयु छोटी होने के कारण कोई ज्यादा शास्त्र तो इस जन्म में नहीं पड़े थे लेकिन फिर भी परमात्मा के इस यज्ञ के अंदर जो भी नियम थे जो भी प्रथाएं थी उसको बहुत सहज तरीके से आत्मसात किया और जो कुछ भी दिल में था वही जुबान पे भी रहा तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम भी अपने जीवन में इस समय इस कलयुगी वातावरण को देखते हुए जहां इतना तनाव है इतना टेंशन इतनी परेशानियां हैं उस सबसे अपने आप को बचाने का एकमात्र तरीका है आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान उसका परिचय आत्मस्मृति अपने जीवन में आत्मा के गुणों के साथ रहने का ये मार्ग एकमात्र मार्ग है जो हम आत्माओं को परमात्मा के नजदीक तो करते ही हैं लेकिन समाज में और अपने आप में भी एक निश्चित नशा और एक निश्चित स्थान अनुभव करा देती है मैंने अपने जीवन में हमेशा ही नियम मर्यादा और सच्चाई से कार्य किया कभी भी किसी की निंदा नहीं की कभी भी नहीं तो क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में मायूसी और उदासी आते हैं जैसे हम सुनते हैं देखते हैं कि अगर हम एक दिया जलाते हैं तो माचिस की तिली से दिया जलाया जाता है तो सबसे पहले माचिस की तिली ही जलती है तो अगर हम भी किसी की निंदा या परचिंतन करते हैं तो सबसे पहले वो थॉट हमारे मन में आता है और जब हमारे मन में आता है उस आत्मा तक शायद ही वो पहुंचे, लेकिन हम आत्मा जरूर उससे दूषित और दुखी हो जाते हैं और इसीलिए अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाना है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है चाहे हम इसमें अपना ही कल्याण समझ के चले दूसरी डिसिप्लिन में रहना चाहे वो प्रकृति के नियम हैं चाहे अपने शरीर के नियम हैं चाहे सरकार द्वारा बनाए हुए कोई नियम हैं चाहे ट्रैफिक नियम है अगर हम नियम में चलते हैं तो कहते हैं नियम मतलब नोयम यम की यातनाओं से बचाने का एकमात्र साधन है डिसिप्लिन नियम हम सुनते हैं कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे तो हमें अपने इस जीवन यात्रा के अंदर नियम पे चलना बहुत आवश्यक है और नियम क्या है हमारी इंसानियत का नियम यही है कि हम सच्चाई सफाई प्रेम अहिंसा को लेकर के ही चले सच बोलना और सच में चलना थोड़ा कठिन लगता है लेकिन जब हमें ये बात पता चलती है कि सच्चाई से ही विजय हुई तो उस बात की खुशी हमें बहुत होती है और इसलिए परमात्मा हमें यही बताते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसका ज्ञान ही हमें सत्य पे राह पे चलने की ताकत देता है हाँ ये जरूर है कि सत्य को एक सभ्यता से हमें सम्मानित करना होता है या सामने रखना होता है लेकिन फिर भी अगर अंदर गहराई में सच्चाई है क्लीन हार्ट है प्योर हार्ट है तो वो प्योर हार्ट ही आपको सबके दिलों में भी राज करने के लिए एक मायने रखता है और फिर भगवान तो है ही दया का सागर परमात्मा को सत्यता सच्चाई बहुत पसंद है तो हमें अपने जीवन में हमेशा सत्यता के बल पर जीना है हम थोड़े से प्राप्ति के लिए कभी भी झूठ और इनडिसिप्लिन का सहारा न लें क्योंकि जो आज हमें टेम्पररी खुशी देता है वो बाद में दिल में हमेशा खाता रहेगा और अगर दिल खाती रही दिल में कुछ ना कुछ उल्टे संकल्प चलते रहे तो खुशी नहीं रहेगी खुशी गायब हो जाएगी हमने सुना था पढ़ा था कि अगर रात को बहुत अच्छी नींद चाहिए तो कहते दिन भर में सच्चाई सफाई से चलना बहुत जरूरी है तो हम देखते कईयों को आज को आजकल नींद की समस्या बहुत होती है और हमने अपने जीवन में ऐसी समस्या कभी नहीं देखी है तो उसका कारण यही रहा कि कभी भी धोखा या झूठ या कुछ भी दूसरा सहारा लिया ही नहीं जो बात जैसी थी उसको उसी रीति से एक्सप्रेस किया और उसके लिए एकमात्र सहारा रहा परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान तो ईश्वर हमें सच्चाई और इस सफाई के माध्यम से अपने जीवन को एक वैल्यू बेस्ड बनाता है तो आज हमारे पास अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई हमेशा हमें ओपन रखती है अगर दुख भी होता है झूठ होता है तो हम हमेशा अपना चेहरा और नज़र सामने वाले से छुपा के रखते हैं बचा के रखते हैं हम नजरों से सामना ही नहीं कर सकते लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो हमेशा सामने रहते हैं ओपन रहते हैं और सबसे बड़ी बात जिसकी चाहना हम सभी रखते हैं वो है खुशी तो उस खुशी की प्राप्ति और अनुभूति हम सदा कर सकते हैं क्यों क्योंकि हम सच्चे होते हैं तो इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सच्चाई को आत्मसात करना है और नियम का भी बल हमें हमेशा ताकत देता है मायूसी उदासी नहीं देगा क्योंकि अगर हमने कोई भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है या हमार हम जिससे रिलेटेड है चाहे ऑफिस में है चाहे वर्किंग फील्ड में है हम वहाँ भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित ही हमारे दिल खाती हैं तो इसीलिए अपने आप को सदैव हल्का फ्री रखने का एकमात्र उपाय है वो है दिल साफ हो सच्ची हो और हम डिसिप्लिन में चलते रहें तो परमात्मा का ये शिक्षा ये ज्ञान हमें अपने जीवन में बहुत प्राप्तियां करा रहा है बहुत खुशी दे रहा है और आज समाज में भी जो दर्जा मिल रहा है वो भी इसी नियम और बल के कारण हैं तो सभी को यही कहना चाहूँगी मैं कि परमात्मा शिक्षाएँ और ये ज्ञान हमें हमारे जीवन में लेकर के अपने जीवन को निश्चित तनावमुक्त और खुश जरूर करना है ओम शांति